मिक्सचर ऑफ व्हेन द मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CaCO3 was heated for 50% loss in weight. 50% loss in weight is observed. Find the composition of CaCO3 and MgCO3. Find the composition of CaCO3 and MgCO3. Find the composition of CaCO3 and MgCO3 in the mixture. R.C. Mukherjee का chapter 2 का question है, unsolved. This question number 9. This question number 9 of R.C. Mukherjee, exercise 2. Question number is 9. मिक्सचर ऑफ MgCO3 एंड CaCO3 है और इसको हम लोग हीट कर रहे हैं. कितना टाइम के लिए हीट कर रहे हैं? लॉन्ग टाइम के लिए. तो हीट करने से क्या हो रहा है? 50% वेट लॉस हो जा रहा है. वेट लॉस क्यों होगा? व्हाई वेट लॉस आकर? मिक्सचर है MgCO3 का और CaCO3 का, इसको हीट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा MgO और ये क्या बन जाएगा? CO. CO2 गैस यहां से रिलीज होगा, CO2 बाहर चला जाएगा और ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 क्या होगा? वेट लॉस होगा. यानी कि CO2 का जो वेट, CO2 जो जा रहा है उसका मास कितना होगा? आज इसका मास 100 ग्राम ले ले तो वी टेक 100 ग्राम ऑफ दिस, जो CO2 लॉस हुआ उसका मास कितना होगा? 50 ग्राम होगा. तो कंटेनर का मास कितना बच जाएगा? अगर CO2 बाहर चला गया उसका मास कितना होगा? 50 ग्राम. क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अब क्या कर दें? इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वन लाइन देन व्हाट you can do? Apply POC on what? Carbon. इसका मास अज्यूम कर लिए क्या? X. इसका मास अज्यूम कर लो क्या? 100 माइनस X. तो देखो कार्बन यहां पे कोफिशियंट, कार्बन का कोफिशियंट कितना है? 1 इंटू एक्स डिवाइड बाई क्या? वॉली मोलिकुलर मास ऑफ MgCO3 84 प्लस यहां पे कार्बन का कोएफिशिएंट कितना है? 1 इंटू 100 माइनस क्या? X डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होगा? 100. दैट इज इक्वल टू, वहां क्या लिखोगे कार्बन का? 1 इंटू 50 बाय क्या? 54. एक लाइन में क्या मिल गया? हम लोग को x का वैल्यू मिल गया. एक लाइन में x का वैल्यू मिल गया.